कर्म से मिला ना विकार से मिला, ना मुझे ये तेरे संसार से मिला। और इसके बाद सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन विनती करूंगा एक बार जरा बाबा जी के लिए हाथ को उठाइए तो सही, जरा तालियां बजाकर बाबा को उठाइए तो सही, फिर देखिए क्या होता है। ये बात जोरदार, 1 2 3 4। और सबसे प्यारी बात है, दुनिया में जिसके पास सब कुछ है ना, वो कहता है मैं सबसे बड़ा, मैं जीता हुआ हूं, मैंने कभी हारा नहीं जिंदगी में। लेकिन हारने का फायदा क्या है? जरा तालियां बजाकर। बात ना धन की है ना दौलत की है, बात ये सोनू दिल के चाहत की है। धन दौलत बहुत आएंगे चले जाएंगे, हाँ, लेकिन प्रेम का रिश्ता रही मन धागा, प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े जुड़े गांठ। हाँ, बात ना धन की है ना दौलत की है, बात ये सोनू दिल के चाहत की है। मैंने सबको देखा और अपने आप को देखा तेरे दरबार में आने के बाद, तो मुझे लगा जीतने वाले ने भी पाया नहीं कभी, जीतने वाले ने भी पाया नहीं कभी, अरे सुख मुझे वो तेरे दर पे हार के मिला। कौन कौन हार कर बैठा है आज इस दरबार में? हारे हुए जरा हाथ उठा लो, मांगने वाले के हाथ ऐसे ही होते हैं, ऐसे ऐसे नहीं होते, ऐसे बाबा जी करेंगे। उठा लो एक भी हाथ नीचे नहीं। कैमरा वाले भैया जरा एक राउंड जरा सबको घुमा लेना, क्योंकि आस्था चैनल में ये लाइव दिखाएगा हर रविवार दोपहर 1:30 बजे, आप भी आओगे। जरा एक बार घुमा लीजिए हाथ बिल्कुल ऊपर, जैसे बाबा जी की ध्वजा सबसे ऊपर है, और तालियां बजाकर एक साथ। न कर्म से मिला न अधिकार से मिला, न मुझे ये तेरे संसार से मिला, न कर्म से मिला न अधिकार से मिला, मुझे ये तेरे संसार से मिला। मैंने जो भी पाया अपनी जिंदगी में, बोलिए, मैंने जो भी पाया इसी जिंदगी में, अरे वो मुझे बाबा तेरे प्यार से मिला, अरे वो मुझे बाबा तेरे प्यार से मिला। न कर्म से मिला ना अधिकार से मिला, ना मुझे ये तेरे संसार से। कर्म से मिला ना अधिकार से मिला, ना मुझे ये तेरे संसार, मैंने जो भी पाया अपनी जिंदगी में वो मुझे पंचदेव द्वार से। अब जिसे मिल गया, जिसे मिल गया वो एक जयकार जरा जम के लगाएंगे, बोलिए पंचदेव द्वार की, बाबा के प्यार की, भक्तार भगवान की। देखिए, हाँ आइए, ये सबसे जरूरी काम है, अतिथि देवो भव, ये हमारी परंपरा है। देखिए, और देव साक्षात दर्शन नहीं देते, केवल अतिथि देव ही दर्शन देते हैं, तो इनका स्वागत जरा जोरदार तालियां बजाकर होना चाहिए। आइए मंगलेश जी। हमारे बीच कांग्रेस के नेता श्री चेतन जी भट्ट बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने आए हैं। बाबा गंगाराम सेवा समिति की ओर से राजू जी धनु का उनसे निवेदन। गजानन जी बजाज उनके हाथों श्री चेतन जी भट्ट जयकारा लगाएंगे। बोल बाबा गंगाराम की। नवीन जी, चलिए
बोलिए बाबा गंगाराम की, भक्त शिरोमणि श्री देव की नंदन जी की। कहते हैं हो उस युग में, अच्छा बड़ा भिखारी, चलिए वो भी गाऊंगा मैं। उस युग में सीता सावित्री, कलयुग में माता गायत्री। क्यों? सीता जी ने अग्नि परीक्षा कितनी बार दी थी? बोलिए, एक बार या दो बार या तीन बार? एक बार या दो बार? दो बार। सीता जी ने दो बार अग्नि परीक्षा दी, लेकिन माँ गायत्री जो आज झुंझुनू धाम में बैठी है, मैं ये आपको बता दूं, भक्त शिरोमणि जी की धर्मपत्नी जो मैंने आपको बताया, अभी इस कीर्तन का ध्यान लगाकर वो बैठी है। इस कैमरे से बच जाओगे भाई साहब, लेकिन वहां से जो सैटेलाइट डायरेक्ट कैमरे यहाँ दो आंखों के लगे हैं ना, उनसे बचना मुश्किल है, क्योंकि इतनी कृपा है उनकी, इतना कमांड है, इतनी ऐसी भक्ति है, ऐसी तपस्या, इतना बड़ा त्याग। आज मैं आपको कहूं मैं महीने के 5 लाख रुपए दूंगा, आप एक घर में बंद होकर रहो, आप बोलोगे भाई साहब मैं देता हूं, आप रह लो, लेकिन इतने वर्षों से माँ गायत्री, उनके चार बेटियां दो बेटे 6 और माँ गायत्री 7, टोटल 7 प्राणी झुंझुनू मंदिर में ही रहते हैं, मंदिर प्रांगण से पैर बाहर नहीं निकाला उन्होंने आज तक, इतने वर्ष हो गए, और केवल बाबा जी की सेवा में ही लगे हैं। जानकर आपको ताज्जुब होगा, चारों बेटियां बिल्कुल पढ़े लिखी, दोनों भैया लोग पढ़े लिखे, किसी ने भी विवाह नहीं किया, सांसारिक मोह माया से किसी को कोई मतलब नहीं। इतना बड़ा त्याग कोई कर सकता है? मुझे दिखा देना, बड़े बड़े आ रहे हैं बाबा लोग, क्या से क्या हो रहा है ना, दुनिया कहां से कहां जा रही है इस दुनिया में। भैया पहचान लो, अच्छे इंसान की परख होनी चाहिए आपको, अच्छे सेवक की परख होनी चाहिए, अच्छे भक्त की परख होनी चाहिए। एक बार मैं विनती करूंगा, आप जाओगे झुंझुनू, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, पता चल जाएगा आपको कि वहां क्या है, कि इतना बड़ा त्याग है, कितनी बड़ी तपस्या है। जब आप अंदर प्रवेश करोगे ना, गारंटी देता हूं, अगर आपको बुखार भी होगा तो जब तक मंदिर में रहोगे तब तक आपको लगेगा मेरे शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, ये मेरी गारंटी है। इतना बड़ा त्याग तपस्या का फल है उस मंदिर में, कण कण में बाबा जी की मूर्ति बसी है, और वो तपस्विनी जोगिनी माँ गायत्री बाबा जी के चरणों में बैठी अपने पूरे परिवार के साथ उनकी दिन रात सेवा करती रहती है। अगर माँ गायत्री का साथ ना होता तो शायद ये मंदिर नहीं बन पाता। द्रौपदी ने हाथ उठाए, भगवान दौड़े चले आए, सुदामा उनके घर गए, भगवान दौड़े दौड़े चले गए, ग्राह ने पुकारा, गज ने पुकारा, प्रभु दौड़े दौड़े चले आए। और यहां जब देवकी नंदन जी की समाधि में आप जाओगे तो पता चलेगा कितना बड़ा त्याग है। उनकी मुखाग्नि मंदिर प्रांगण में ही उनके चिता को मुखाग्नि दी गई थी देवकी नंदन जी, मोदी 1992 की घटना है, ज्यादा पुरानी नहीं है, आधी से ज्यादा चिता जल गई, सैकड़ों लोग वहां मौजूद थे। माँ गायत्री ने हाथ उठाकर प्रभु को कहा, सूर्यदेव को साक्षी मानकर, कि मेरे स्वामी ने जिंदगी भर आपकी सेवा की है, ताने मारने वाले बहुत थे, अपनों ने ही नहीं छोड़ा, परायों की क्या कहें, तो आज कुछ चमत्कार दिखा दीजिए बाबा जी। तभी चमत्कार हुआ, ऐसा लगा लोगों को हवा बंद हो गई, सूर्य का रथ रुक गया, जलती चिता में गड़गड़ाहट हुई, दाहिना हाथ निकलकर जलता हुआ आशीर्वाद की मुद्रा में ऐसे हिलने लगा, यह पहला चमत्कार हुआ। दूसरा चमत्कार हुआ, चेहरा जो 65 वर्ष के थे देवकी नंदन जी, चेहरा बिल्कुल 2 महीने के बच्चे के जैसा हो गया, सैकड़ों लोगों ने देखा है, ये दूसरा चमत्कार हुआ। और तीसरा चमत्कार, सिर से पानी की धारा निकलने लगी जो निरंतर आधे पौने घंटे तक निकल रही थी। जब ये चमत्कार हुए, मानने वाले चरणों में गिरे हुए थे, जो नहीं मानने वाले थे ना उनके भी आंखों से माया का पर्दा हट गया, वो भी क्षमा याचना करने लगे, और वो परिवार आज भी उस मंदिर में बाबा जी की सेवा में लगा है। अगर माँ गायत्री के चरणों को नमन नहीं किया तो ऐसा लगेगा कि दरबार में कुछ अधूरा अधूरा रह गया है। हाँ मेजर, क्योंकि माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। दुनिया में माँ के बिना कुछ नहीं, माँ का स्थान सबसे बड़ा भगवान ने भी दिया है, आप सब जानते हैं। माँ का प्यार पाने के लिए भगवान ने भी उसकी कोख से जन्म लिया, वो होती है माँ। जो लात खाकर मार खाकर भी भोजन कराती है, वो होती है माँ।
माँ के जैसा दूसरा कोई नहीं। जब आप जाओगे माँ गायत्री सर पर हाथ रखेगी तो पता चलेगा आपको कि क्या माँ का स्नेह होता है। आइए माँ गायत्री के चरणों में नमन करते हैं और ये वंदना माँ के पूरे परिवार के चरणों में, माँ गायत्री के चरणों में समर्पित है। कि त्याग तुम्हारा माँ गायत्री कोई समझ न पाए, दर्द हजारों दिल में तेरे, दर्द हजारों दिल में तेरे, फिर भी तू मुस्काए। यही होती है माँ जो रोते रोते बच्चों को हंसाती है, खुद रोना चाहे तो नहीं रो पाती है, हंसते हुए दुनिया के सामने उसे रहना पड़ता है। आइए इस माँ गायत्री के परिवार को नमन करें, एक बार उठा लीजिए उनके सम्मान में हाथ, बिल्कुल सीधे उस तपस्विनी जोगिनी पूरे परिवार के लिए, और प्यारी प्यारी तालियां बजाकर गाएंगे। त्याग तुम्हारा माँ गायत्री कोई समझ न पाए, त्याग तुम्हारा माँ गायत्री कोई समझ न पाए, दर्द हजारों दिल में तेरे, दर्द हजारों दिल में तेरे, फिर भी तू मुस्काए माँ। त्याग तुम्हारा माँ गायत्री कोई समझ न पाए। आपकी इच्छा हो रही है कि मैं झुंझुनू जाऊं, माँ से मिलूं, उस परिवार से मिलूं, जरा प्यारी प्यारी तालियों से सेवा करें एक बार जोरदार, एक साथ मिलकर जय हो। तूने माँ साकार किया है माँ, देव जी के वचन को तूने माँ साकार किया है, कांटों की राहों पे चलना उफ तक भी ना की माँ तुमने, कितने कष्ट उठाए। त्याग तुम्हारा माँ गायत्री कोई समझ न पाए। दुनिया वाले जब ताने मारने लगे, पता नहीं क्या क्या किए भक्त देव की माँ गायत्री उनके परिवार के साथ, अपनी सारी संपत्ति, सुनिएगा, कलकत्ते में रहते थे देवकी नंद जी पूरे परिवार के साथ, मंदिर में कुछ दुराचारियों ने कुछ दुर्घटनाएं कर दी, अपनी जितनी संपत्ति थी सब दान कर दी उन्होंने, एक पल भी देर न लगाई, जितनी संपत्ति उनकी थी सब कुछ दान करके और सीधे झुंझुनू आ गए, वहां रहने लगे और बाबा जी की सेवा में लगे। छिन गए सारे सुख जीवन गम की बदरी छाई माँ, ओ माँ, ओ माँ, छिन गए सारे सुख जीवन के गम की बदरी छाई, तीर सहेतानों के दिल पर तू ना घबराई, क्या होती है त्याग तपस्या सोनू तू बतलाए, दर्द हजारों दिल में तेरे, दर्द हजारों दिल में तेरे, फिर भी तू मुस्काए त्याग तुम्हारा माँ गायत्री कोई समझ न पाए। और भैया
विधि का विधान प्रभु ने बदल दिया। उस तपस्विनी उस जोगिनी की एक पुकार पर जब उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाए, विधान प्रभु ने तोड़ा अपना, देख के त्याग तुम्हारा, हाथ चिता से उठ गया सर से निकली गंगा धारा। अंधियारों में चलती रही तू, भक्ति का दीप जलाए। ये आप सब जानते हैं जो दुनिया में इतिहास गवाह है। मैंने फिर कहा आपसे छोटा हूँ, कोई ज्ञान की बात नहीं, जो बड़ों से सीखा है वो बताता हूँ। दुनिया में जितने भी भक्त हुए इतिहास उठाकर देख लीजिए, उनसे ज्यादा तकलीफ किसी ने नहीं सही है, जितने भक्त हुए हैं दुनिया में। इसलिए आज घर घर में भक्त की पूजा भगवान से पहले होती है। इसलिए एक बार कहूंगा, बोले भक्त शिरोमणि श्री देव नंदन जी की, बोले माता गायत्री की। हाँ, अब एक बार आप भी गा दीजिए ताकि माँ माँ का आदर, माँ का प्यार, माँ का सत्कार किस्मत वालों को मिलता है और हमें आज मिल जाए। सारे मिलकर एक बार, त्याग तुम्हारा माँ गायत्री कोई समझ न पाए, माँ त्याग तुम्हारा माँ गायत्री कोई समझ न पाए, दर्द हजारों दिल में तेरे, दर्द हजारों दिल में तेरे, फिर भी बोलिए माता गायत्री की, सप्त ऋषियों की, पंचदेव दरबार की, भक्त और भगवान की। अब आइए, बधाई का ट्रेलर था, अब पूरी की पूरी पिक्चर मिल देखने वाली है। अब किसे किसे लेनी है बड़ी बड़ी बधाई? हाँ, ये नहीं होगा कि नीचे हो जाए, लेकिन जयकार जोरदार बोलिए पंचदेव दरबार की जय। देखिए मेरी आदत है, मैं पहले बता दूं, मैं रोना गाने वाले भजन दरबार में नहीं गाता, क्योंकि दुनिया के आगे रो के भाई साहब कोई फायदा नहीं है, है ना। दरबार में किस्मत वाले बैठते हैं, फिर रोने की क्या बात है। यहाँ हंसते हंसते रहिए, दुनिया में नहीं है तो हंसी नहीं है लोगों के। अरे रोएंगे भगवान के सामने, घर में बैठ कर रोएंगे, यहाँ क्या रोना। यहाँ तो बस हंसते खेलते आइए। और विनती मैं करूंगा पूरी बाबा गंगाराम सेवा समिति मुंबई की तरफ से कि बाबा जी हमेशा इन चेहरों पर मुस्कुराहट ऐसे ही बनी रहे और ये दरबार में आते रहे, जयकार लगाते रहे, झुंझुनू धाम जाते रहे। जरा एक बार जयकार बाबा गंगाराम की। अब कर दीजिए मालिक।